हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल GR पे। तो दोस्तों देखिए, यदि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और आपको कम्युनिटी टैब मिल चुका है, तो फ्रेंड्स आप उसका यूज जरूर करना, क्योंकि कम्युनिटी टैब से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब देखिए, हालांकि पहले क्या था, यूट्यूब पर जो कम्युनिटी टैब था जिसमें आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं कम्युनिटी टैब के अंदर, तो काफी ज्यादा सब्सक्राइबर पर मिलता था। अब यहाँ पर YouTube एक अपडेट लेकर आया, फिर आपको 10,000 सब्सक्राइबर पर मिलने लगा, फिर आपको 1,000 सब्सक्राइबर पर मिलने लगा, फिर यहाँ पर YouTube का नया अपडेट आया तो 500 सब्सक्राइबर पर YouTube ने कम्युनिटी टैब देने के लिए कह दिया सभी यूट्यूबर्स के लिए। फिर उसके बाद YouTube एक और नया अपडेट लेकर आया जिसमें यूट्यूब ने कहा कि अब शायद हो सकता है आने वाले समय में जो भी बिल्कुल नए क्रिएटर है, नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें भी यूट्यूब कम्युनिटी टैब दे दे। तो हो सकता है आपको मिल चुका हो, यदि आपको मिल चुका हो तो इसका आप यूज जरूर करना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे मेन बात आती है, जैसे कि मान लीजिएगा आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो और आप अपनी वीडियो के लिए यहाँ पर थंबनेल बनाते हो कोई भी अच्छा सा, जिससे कि वो यूट्यूब वीडियोस आपके थंबनेल को देखें और उनको आपका थंबनेल पसंद आए और आपकी वहां पर थंबनेल पर क्लिक करके वो वीडियो को वॉच कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरह से आप जो कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, आपको कम्युनिटी के अंदर भी एक थंबनेल लगाना होता है, और भले ही आपने जिस चीज के लिए भी थंबनेल वो बनाया, जो भी आपने थंबनेल के ऊपर लिखा है उससे रिलेटेड ही आपका कोई वीडियो वगैरह है, तो आप उस वीडियो का लिंक अपने थंबनेल के ऊपर कम्युनिटी में लगा सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब यूजर्स उसे पढ़ें कि अभी थंबनेल पर ये लिखा है, तो हो सकता है इसकी जो वीडियो है इसने इसी के बारे में बताया और उन्हें वो देखना है, तो वो आपकी कम्युनिटी वाले थंबनेल पर पढ़ने के बाद और उसके ऊपर जो आपने लिंक दिया हुआ वीडियो का उस पर क्लिक करके आपकी वीडियो को वॉच कर लें, तो यहाँ पर आपकी वीडियो पर व्यूज मिलेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपका वीडियो उनको पसंद आता है और आपके वीडियो से उनकी सहायता होती है, कुछ हेल्प होती है, तो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पर मेन पॉइंट है, मैं उस पर आता हूँ कि जैसे आप YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बनाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसका जो रेशो होता है वो अलग होता है, और आप यदि कम्युनिटी टैब के लिए जो थंबनेल बनाएंगे तो उसका रेशो अलग होता है। जैसे कि आप YouTube की शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो अलग साइज में बनाते हैं, जैसे कि वर्टिकल मोड में उसे बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका साइज अलग होता है। और आप YouTube की जो बड़ी वीडियो बनाते हैं तो उसे पोर्ट्रेट मोड में बनाया जाता है इस तरह से, तो उसका साइज अलग होता है, तो दोनों के थंबनेल भी अलग हुए। तो इसी तरह से जब आप कम्युनिटी में कोई पोस्ट डालेंगे और उसके लिए आप थंबनेल तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स उसके लिए अलग रेशो का थंबनेल बनाना होता है। अब मान लीजिएगा आपने यूट्यूब वीडियो वाला थंबनेल और आप अपने कम्युनिटी में पोस्ट करना चाहें तो फ्रेंड्स वहां पर वो नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जब आप उसे पोस्ट करोगे ना तो आपने जो भी कुछ थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है वो कट जाएगा, वो क्रॉप करने के लिए आएगा और आप उसे इतना क्रॉप भी नहीं कर सकते वहां पर जाकर के, उसे छोटा कर लें, और यदि आप छोटा पहले से ही करते हैं तो वो सही नहीं आएगा। कम्युनिटी टैब के साइज का थंबनेल बनता है, उसी साइज से आप बनाएंगे तो एकदम बेस्ट लगेगा वो थंबनेल, और आप जैसे ही उस थंबनेल को कम्युनिटी टैब में जाकर के पोस्ट करेंगे तो बिल्कुल फिक्स और सही आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको किस साइज का रेशो सिलेक्ट करना है, किस साइज का थंबनेल आपको कम्युनिटी टैब के लिए बनाना, जो भी आपको पोस्ट पर लगाना है, वो सभी कुछ वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि आप थंबनेल जो बनाते हैं कम्युनिटी टैब के लिए, या तो आप पिक्सल लैब से बनाए, पिकार्ट से बनाए, या फिर आप काइनमास्टर से बनाए, या फिर पावर डायरेक्टर से बनाए, यानी किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे थंबनेल बनाने के लिए कम्युनिटी का या फिर कोई भी, तो वहां पर सारे रेशो खुल करके आ जाते हैं कि आपको किस साइज का यानी किस रेशो का थंबनेल बनाना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वही काइनमास्टर के रेशो में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको और एप्लीकेशन में भी इसी तरह के रेशो देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको काफी सारे रेशो मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप यूट्यूब कम्युनिटी टैब में लगाने के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपको 1:1 वाला रेशो सिलेक्ट करना है, जहां पर ये एरो लगा हुआ है ना, तो आपको ये 1:1 वाला रेशो सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें अपना थंबनेल बना करके तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड, जब आप 1:1 वाला थंबनेल बना करके और अपने कम्युनिटी टैब में लगाएंगे तो वहां पर बिल्कुल फिक्स आएगा, आपको क्रॉप करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और आपको जो थंबनेल बनाना है 1:1 वाला, आपको एक अट्रैक्टिव सा बनाना है जो कि यूट्यूब यूजर्स को देखते ही पसंद आ जाए, और आप जो भी थंबनेल पर लिखें उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है, और वीडियो का लिंक आपको अपने कम्युनिटी टैब में उस थंबनेल के ऊपर लगा देना है। जैसे ही YouTube यूजर्स आपके थंबनेल को देखें और वो समझ जाएं कि भाई इसने इस वीडियो में ये बताया है, इसका ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आपके वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आपकी वीडियो को वॉच कर लें। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे और आप ये भी जान चुके हो कि आपको कम्युनिटी टैब में जो थंबनेल है वो किस साइज का बनाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।